वेलकम टू वाइज इन्वेस्टर। आज हम ऑटोमोबाइल सेक्टर से मिल्लर ट्रैक्टर्स लिमिटेड के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का एनालिसिस लेकर आए हैं। अगर ये इन अ नटशेल इस कंपनी को मैं ब्रीफ करूं तो इट्स अ जेम ऑफ अ कंपनी, और उसकी वजह क्या है आप इस जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कंपनी 1964 में इनकॉर्पोरेट हुई और प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ इस कंपनी की ट्रैक्टर्स, जनरेटर्स और डिफरेंट तरह की एग्रीकल्चरल मशीनरी की प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग यानी, और उसकी स्पेयर पार्ट की सेल्स और सर्विस है। कंपनी की अगर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की तरफ अगर देखें तो 21 साल के अरसे में कंपनी के शेयर प्राइस का लो 46 रुपये और 15 पैसे का रहा और शेयर की हाईएस्ट प्राइस 1,575 रुपये और 99 पैसे रही। इसी अरसे में शेयर की एवरेज प्राइस 811 रुपये और 7 पैसे रही। इसी एवरेज शेयर प्राइस पर अगर किसी ने 100 शेयर्स में इनिशियल इन्वेस्टमेंट की होती तो उसे 21 साल पहले 81,107 रुपये की कॉस्ट करती। इसी अरसे में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को टोटल डिविडेंड की मद में 5,24,804 रुपये दिए हैं, जो कि बहुत शानदार पे आउट है। और टोटल नंबर ऑफ शेयर 100 शेयर से बढ़कर 1,439 हो गए होते। इसी के साथ साथ जो टोटल वैल्यू आज के शेयर की क्लोजिंग प्राइस पर, जो कि 680 रुपये 43 पैसे है, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि 81,107 रुपये थी, वो बढ़कर 15,04,159 रुपये और 65 पैसे हो गई होती, जो कि टोटल रिटर्न 1,755% का बनता है। ईयर ऑन ईयर की अगर बात करें तो ईयर ऑन ईयर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इसकी 87.73% की बनती है, जो कि अगेन बहुत शानदार है। मीडियम टर्म की तरफ अगर देखें तो 10 साल में शेयर शेयर का लो 428 रुपये और 72 पैसे रहा, जबकि शेयर की हाईएस्ट प्राइस 1,575 रुपये और 99 पैसे रही। 10 साल में शेयर की एवरेज प्राइस 1,002 रुपये और 355 पैसे रही। इसी एवरेज प्राइस पर अगर किसी ने 10 साल पहले 100 शेयर बाय किए तो वो उसे 1,236 रुपये की कॉस्ट करते। और इसी अरसे में टोटल डिविडेंड कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 90,444 रुपये दिया होता। और टोटल नंबर ऑफ शेयर 100 शेयर से बढ़कर 315 हो गए होते। टोटल वैल्यू आज की क्लोजिंग प्राइस, जो कि 680 रुपये 43 पैसे है, वो 3,04,730 रुपये और 26 पैसे होती, जो कि 10 साल के अरसे में टोटल रिटर्न 204% का बनता है, जो कि ईयर ऑन ईयर 22,67 रुपये का बनता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। तो व्यूअर्स, अगर आप भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करें तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी बेहतर रिटर्न दे सकती है आपको।